जिला मानसिक स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी के तत्वाधान में आत्महत्या के बढ़ते कारणों को लेकर मीडिया के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर SSP आरिफ शेख, वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर, अधिवक्ता आशीष सोनी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर सोनवानी सहित अन्य समाजवाद संगठन के साथ साथ बड़ी संख्या में पत्रकार भी शामिल हुए। कार्यशाला में बताया गया कि पहले लोग बूढ़े होने के बाद आत्महत्या करते थे, लेकिन आज युवा भी तन्हाई का शिकार होकर आत्महत्या कर रहे हैं। यह समाज के लिए चिंताजनक है। SSP आरिफ शेख ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्यशाला है। साथ ही यह भी बताया कि व्यक्ति के लिए ऐसी मानसिक स्थिति बनती है कि वह आत्महत्या जैसी घातक कदम उठाता है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का तथ्यों से एवं जांच पड़ताल से पता लगाने की कोशिश करती है। वहीं आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या रही है, यह पता लगाना संभव नहीं है। कार्यशाला में उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे आत्महत्या की खबरों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि समाज में आत्महत्या के तरीके का प्रचार न हो। मीडिया से चर्चा के दौरान SSP आरिफ शेख ने कहा कि मीडिया को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आत्महत्या को सनसनीखेज या फिर एक सामान्य सी बात बनाती हो। अक्सर देखा गया है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से शीर्षक सनसनीखेज बनाए जाते हैं। साथ ही यह भी बताया कि आत्महत्या की कोशिश में अपनाए गए तरीकों को विस्तार से बताने से बचें और जहां तक संभव है मृत व्यक्ति की फ़ोटो का इस्तेमाल ना करें। आत्महत्या की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक ज़रूरी पक्ष यह समझना भी है कि इस प्रकार की रिपोर्ट से वे स्वयं भी आत्महत्या की ऐसी रिपोर्ट से प्रभावित हो सकते हैं। रायपुर प्रेस क्लब तथा सेंटर फॉर एडवोकेसी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय रोल ऑफ मीडिया इन प्रिवेंशन सुसाइड, इसके बारे में ये एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें पत्रकार साथियों के साथ साथ बाकी के भी समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हुए हैं। और इस वर्कशॉप में मैं भी सम्मिलित हुआ था, अपने विचार रखे मैंने, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे निश्चित तौर पे ये भरोसा है कि इस तरीके का वर्कशॉप जो है वो मीडिया को और सकारात्मक तथा एक चेंज मेकर बनाएंगे, ताकि जो लोग पीड़ित हैं या फिर सुसाइड के रास्ते पर जो बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ सकते हैं, वो मीडिया से जुड़कर निश्चित तौर पर सही रास्ते पर आएंगे और एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे, इसके लिए कामना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में DHS मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है। इसके तहत DHS सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के साथ मिलकर राज्य में आत्महत्याओं पर संवेदनशील रिपोर्टिंग के विषय पर मीडिया कर्मियों के साथ काम करेगा, जिससे आत्महत्या जैसे मामलों में कमी आ सके। देश TV के लिए ऋचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।